नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरंजन और हमेशा की तरह आप लोगों को फिर से स्वागत है अपना चैनल टेक्निकल जरूरी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास तौर पर जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं या तो फेसबुक पेज चलाते हैं वगैरह वगैरह काम करते हैं। उसमें भी मान लीजिए आपके पास ही फेसबुक पेज है, तो आपका पेज जो है उसमें कोई आपको इंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, फॉलोअर्स नहीं मिल रहा है, तो लाइक्स नहीं बढ़ रहे वगैरह वगैरह, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आज का ये ट्रिक, मैं इसमें दो ट्रिक्स बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप वीडियो पे नहीं आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना वॉइस के हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे नंबर वन पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक फेसबुक अकाउंट है, तो उसके अलावा और भी आप बहुत सारे अकाउंट यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में से यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपके पास इस एक्स्ट्रा और फेक अकाउंट यूज़ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए, ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आप कहाँ जाएगा, आपको सबसे पहले आपको खोलना होगा कि ओके, वेट कीजिएगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले आपको खोलना है कि आपका मेन फेसबुक पेज, फेसबुक खोलिएगा। उसके बाद आपको सर्च करना है, आप दूसरे अकाउंट से खोलिएगा, ठीक है। दूसरे अकाउंट पे जाके क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने फैमिली अकाउंट से जाने के बाद, या तो अपने एक्स्ट्रा और फेक अकाउंट है तो उसको खोलिएगा। उसको खोलने के बाद आप अपने ओरिजिनल जो फेसबुक पेज है, पेज को खोजिएगा। इसमें सर्च बटन में जाइएगा, सर्च बटन में जाने के बाद आप अपने पेज को खोजिएगा। खोजने के बाद इस तरह का आपको देखने को नजर आएंगे, जैसे इस तरह का नजर आएंगे आपको नीचे जाना है दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रमोट करने का सबसे बेहतर तरीका यही है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये तरीका बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अगर आप भी इस तरह करेंगे तो 100% दिखेगा, तो ये जरूर हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ये एक वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, तो देखने का आप क्या करेंगे, ऊपर जो है तीन डॉट का आइकन दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक कीजिएगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है, वेट कीजिएगा एक मिनट, मैं इसमें आप लोगों को अच्छी तरह दिखा देता हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी इसमें पेस्ट किया हुआ, इसमें आंसेप लिखा हुआ, इसमें आंसेप में कर देता हूँ, ठीक है, राइट। मैं इसमें ऑलरेडी पहले किया था, तो सबसे पहले उसमें फिर से जाएंगे, इसमें सेव आप नजर आ रहा होंगे, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप इसमें सेव के बटन में आपको क्लिक करना है। जैसे सेव के बटन में आप क्लिक कर देंगे दोस्तों, आगे के प्रोसेस में बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो उसका आपको इसमें फेवरेट्स ऑप्शन आ रहा है, फेवरेट्स में ओनली मी ऑप्शन शो कर रहा, हो सकता है आपके केस में दूसरा शो करे, या तो माय फ्रेंड्स या तो ओनली मी, तो इसमें इस तरह शो करेगा। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, तो उसमें न्यू कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, प्लस आइकन में आपको क्लिक करना है। जिसे उसमें क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस तरह का आपको नजर आएंगे, एक तो आता है ओनली मी, दूसरा आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हो सकता है कभी कभी अलग आपके केस में और पब्लिक का भी ऑप्शन आता होगा दोस्तों, पब्लिक का ऑप्शन आता है वो सबसे बेस्ट तरीका है। ऊपर इसके फ्रेंड्स के ऊपर आपको पब्लिक का ऑप्शन भी आता होगा, तो ऊपर एक कलेक्शन का नाम देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूंगा दोस्तों, इसमें सॉन्ग्स, एग्जाम्पल के लिए मैं अपने केस में लिख रहा हूँ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, ठीक है। इसमें मैं इस तरह लिख दिया, तो ये मेरा टाइटल हो गया। आपके केस में कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, ये उदाहरण है, आप समझ जाइएगा। तो इसमें देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन शो कर रहा है, आपके पास तीन ऑप्शन जरूर शो करेगा, क्योंकि इसके मैंने इसमें ऑलरेडी किया हुआ था, क्योंकि इसीलिए इस तरह शो कर रहा है खुद का अकाउंट है। तो उसके ऊपर सबसे नीचे आपको शो करता है क्या, ओनली मी, जो कि सिर्फ आप ही देख सकते हैं। उसके ऊपर फ्रेंड्स आपको लिस्ट शो करता है, फ्रेंड्स यानी आपके फेसबुक में जितने भी फ्रेंड्स हैं सिर्फ वही लोग देख सकेंगे। इसके ऊपर और एक ऑप्शन आएगा दोस्तों आपके पास, कि पब्लिक का ऑप्शन आता है, अगर वो पब्लिक का ऑप्शन आता है सबसे बेस्ट तरीके है, तो आप उसको ही चुनिएगा। अगर वो ऑप्शन नहीं आता, आप फ्रेंड्स को भी चुन सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास जो है पब्लिक का ऑप्शन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, तो आप पब्लिक का ऑप्शन पे ही क्लिक कीजिएगा, पब्लिक पे आपका क्लिक कीजिएगा। मेरे केस में पब्लिक नहीं है, तो मैं फ्रेंड्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट के बटन में नीचे क्लिक कर देना है, जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए, नीचे देखिए, सेव तो म्यूजिक हो चुका है, सेव लिस्ट हो चुका है। अब मैं उस पे एक बार जा सकता हूँ, इसे फिर से देखिएगा। ओके, मैं फिर से इसमें क्लिक किया, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप इसमें देख सकते हो, इसमें सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इसमें आ चुका है ना, तो इसमें मैं देखिए एक बार जाके दिखा देता हूँ। अब व्यू पे मैं क्लिक करूंगा, व्यू पे जैसे मैं दिखाऊंगा दोस्तों, अब ये देखिए, आप फॉलो इसमें देखिएगा, अब क्रिएटेड हो चुका है, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उस लिस्ट में, आपके उस दूसरे अकाउंट में, वो सब देख पाएंगे।
अगर आपका पब्लिक का ऑप्शन है तो बहुत सारे लोग देख सकेंगे, तो इसी तरह प्रमोट अपने आप हो जाएगा। ये तो एक ही अकाउंट की बात कर रहा, और भी बहुत ज्यादा आपके फैमिली रिश्तेदार में इसी तरह अकाउंट है, तो आप यही तरीका अपनाएं दोस्तों। सबसे बेस्ट तरीका आप इंगेजमेंट और फॉलोअर्स बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों। मान लीजिए अगर आपका फेसबुक पेज कोई इंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, फॉलोअर्स नहीं मिल रहा है, लाइक्स नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह, आप इसमें थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस ट्रिक को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपका 100% जरूर इंगेजमेंट जरूर बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपका फॉलोअर्स भी बढ़ेगा दोस्तों। इसी तरह क्या होता है कि मैं आप लोगों को और एक चीज समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें मेन चीज क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें मान लीजिए आपके जो फेसबुक मेन अकाउंट है और उसमें आपका मेन ओरिजिनल पेज है, तो वो तो आपका पेज ही हो गया। तो आपको क्या करना है, उसी फेसबुक का के साथ बाकी अकाउंट के साथ आपको लिंक करना है कि फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। आप बाकी अकाउंट के साथ या तो फैमिली अकाउंट के साथ लिंक फ्रेंड्स बनाइएगा, तो फ्रेंड्स के साथ आप खुलेगा, फ्रेंड्स अकाउंट में खुलेगा, या तो आप अपने फैमिली रिश्तेदार के अकाउंट को ऊपर ओपन कीजिएगा, तो वहां से जाके देखिएगा आपका पेज को, खोजिए। खोजने के बाद उस वीडियो को देख लीजिए, सबसे पहले उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे जाइएगा दोस्तों, वीडियो एक वॉच कीजिएगा, उसके बाद वॉच करने के बाद थोड़ा सा वॉच ज्यादा नहीं करना है, उसके बाद ऊपर तीन डॉट का आइकन क्लिक, जैसे मैंने इसमें दिखा दिया, तो उसमें इस तरह जिस तरह मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से, तो आप उसी तरीके को अपनाइए और 100% आपका प्रमोट हो जाएगा। क्योंकि उस फेसबुक पेज में जितने फ्रेंड्स लिस्ट होंगे या तो पब्लिक हो जाएंगे, तो सभी लोग आपके वीडियो को उस प्लेलिस्ट के जरिए देख पाएंगे। इसके अलावा और भी, मान लीजिए कोई भी बंदा अगर उस फ्रेंड आपके फ्रेंड्स के लोग अगर वही वीडियो देखता है, तो उसमें अगर वो लाइक करता है, फॉलो करता है, इसके अलावा उसके पास जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो लोग भी देख पाएंगे। तो इसी तरह इंगेजमेंट बढ़ते जाता है, रिकमेंडेशन चला जाता है दोस्तों। ये वाला जो मान लीजिए आपका वीडियो है, वही रिकमेंडेशन का जो सिस्टम है वो ऐसे ट्रांसफर होते रहता है, आपके आपसे दूसरे वाला चले जाएंगे। उस अगर वो देखेगा आप लाइक करेगा, तब उसी के केस में तो उसके जितने भी फ्रेंड्स लिस्ट होंगे, तो उसके फ्रेंड्स लिस्ट में उसके पास वही नोटिफिकेशन चला जाएगा, यानी आपका जो रिकमेंडेशन चला जाएगा, यानी आपका वीडियो का रिकमेंडेशन। तो इसी तरह आपको इंगेजमेंट या व्यूज फॉलोअर्स बढ़ाने का बहुत 100% चांसेस ज्यादा रहता है। तो आप फ्री में इसी तरह आसानी से आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका पेज जो है बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गया एक आपका बेस्ट आइडिया दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये आइडिया आप लोग को समझ में आया, पसंद भी आया। तो आप दूसरा तरीका मैं बता दे, दूसरा तरीका ये है, अगर मान लीजिए आपके फैमिली में बहुत सारे अकाउंट हैं फेसबुक अकाउंट आपके अलावा, और इस तरह आप भी फेक अकाउंट यूज करते हैं, तो आप क्या कीजिए, आपका फेसबुक पेज का एडमिन उन लोगों के साथ भी एडमिन बनाना है। अगर आपको बनाने नहीं आता, मैं इसके तौर पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा कि आपको क्या ऐसी वीडियो बनानी चाहिए मेरे आपके लिए मुझे। अगर आपको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है इसके बारे में, मैं जरूर आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा अगर मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह सबके साथ एडमिन बना लीजिएगा, तो मान लीजिए सभी के साथ आप एक आपके अकाउंट में वही पेज में आप कुछ भी शेयर करेंगे, वीडियोस फोटोज जो भी चीजें शेयर करेंगे, वही नोटिफिकेशन वही रिकमेंडेशन सबके अकाउंट के प्लेलिस्ट या रिकमेंडेशन में चला जाएगा, तो सबके पास चला जाएगा। उसके बाकी जितने भी अकाउंट्स है उन अकाउंट्स के जो फ्रेंड्स होंगे, जितने भी फ्रेंड्स मिलेंगे फ्रेंड्स कलेक्शन के पास चला जाएगा आपका वीडियो का रिकमेंडेशन, तो वो लोग भी आसानी से देख पाएंगे, जिससे कि आपका एंगेजमेंट और बढ़ाने का चांसेस ज्यादा है। इसी तरह आपका फेसबुक पेज को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समझ में आया और हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके दबा दीजिएगा, और हो सके तो अगर अच्छा भी लगता है, ये आपको लगता है कि ये तरीका बहुत अच्छा है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहाँ तक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।